वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी में सीरीज को आगे बढ़ाते हुए थर्ड पार्ट पे चलते हैं, पार्ट थ्री। थर्ड पार्ट में हम इंट्रोडक्शन से, फ्लावर का इंट्रोडक्शन हो गया, उससे जस्ट बाद वाली जो प्रोसेस है क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम, और उसके प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। गैमेटोजेनेसिस में भी हम मेल गैमेट को पढ़ेंगे कि उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। जेनेसिस मतलब बनना, किसी चीज़ का बनना, गैमेट जेनेसिस कहलाता है। जेनेसिस भी बोल देते हैं, जेनेसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। माइक्रो मतलब माइक्रो, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर, स्पोर, ठीक है। तो गैमेट का क्या होता है, गैमेट जो कि मिलने के बाद एक जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है इसका। हैप्लॉयड मतलब क्रोमोसोम हर एक सेल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, वो डिप्लॉयड है, ठीक है। और अगर उसकी क्रोमोसोम्स को आधा कर दिया जाए, आधा मतलब 23 कर दिया जाए, ठीक है, 23 मेल से 23 फीमेल से, तब कंबाइन करेंगे तो 46 क्रोमोसोम बनाएंगे वो जाइगोट सेल में, ठीक है। अब 46 एक कंप्लीट सेल होती है, 46 क्रोमोसोम जिसमें होता है ह्यूमन सेल में, वो एक कंप्लीट सेल होती है। इसी प्रकार से प्लांट की जो सेल्स होती है वो भी हैप्लॉयड होती है, और मिलने के बाद क्या बनाती है, डिप्लॉयड, क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड सेल बनाती हैं, ठीक है, वो भी जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन में पहले वाली, जो फर्टिलाइजेशन से पहले वाली प्रोसेस है, ठीक है। पहले वाली में क्या होता है, सबसे पहले कि फ्लावर उत्पन्न होता है, उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट बनते हैं, ठीक, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो देखो स्टार्टिंग से प्री फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। क्लियर, क्या क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले देखो, फ्लावर इज़ मॉडिफाइड सूट, फ्लावर एक बदला हुआ सूट होता है। सूट क्या होता है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो ये एपिकल पार्ट होता है। क्या होता है ये, एपिकल, जहाँ से नई लीव्स का फॉर्मेशन होता है, नई लीव्स निकलती हैं उसको एपिकल पार्ट कहते हैं, आगे वाला, ऐसे एपिकल, ऐसे आगे वाला पार्ट, ठीक है। और ये होता है रूट। तो हम प्लांट को दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो कंप्लीट ये वाला धरती से ऊपर वाला, इसको बोलते हैं सूट, ठीक है, और ये होता है रूट, यानी कि ये रूट सिस्टम कंप्लीट और ये सूट सिस्टम कंप्लीट। इस प्लांट के धरती के ऊपर लीव्स है, चाहे स्टेम है, चाहे इसके फ्रूट है, सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है कि इसमें सूट में, और इससे नीचे वाले पार्ट में कुछ भी है एक्स वाई जेड, वो भी रूट सिस्टम में, वो रूट सिस्टम में काउंट की जाती है, ठीक है। तो सम सेल्स ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम्स चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम्स। फ्लोरल मतलब फ्लावर, ठीक है। तो क्या बोला इसने कि सूट एपिकल की यहाँ पे कुछ मेरिस्टेम सेल्स होती है। जब भी प्लांट बढ़ता है, मान लेते हैं कि ये प्लांट का स्टेम है, ठीक है, यहाँ पर लीव्स निकले थे, क्लियर, यहाँ पर लीव्स निकले थे। तो जब भी प्लांट आगे की साइड बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ छोड़ जाता है, यहाँ पे आगे किसको लेके जाते हैं, मान लेते हैं यहाँ लीव नहीं निकली अभी, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, मेरिस्टेम सेल्स, ठीक। ये मेरिस्टेम सेल्स किसका फॉर्मेशन करती हैं, लीव्स का फॉर्मेशन करती हैं, फिर आगे बढ़ेंगी ये, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगी। इसमें क्या होता है, इधर भी मेरिस्टेम सेल्स होती है, मेरिस्टेम सेल्स नए टिश्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है, मेरिस्टेम सेल्स, ठीक है, नए प्लांट पार्ट को अराइज करते हैं। तो सम सेल्स ऑफ सूट एपिकल, सूट के आगे वाले हिस्से की, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से कोई नई ब्रांच उत्पन्न हो गई, ठीक है, ये नई ब्रांच है, यहाँ पर आगे चल के यहाँ पे लीव्स ना निकलने की बजाय, ये भी तो एपिकल है, क्या है ये, एपिकल, यहाँ पे लीव्स ना निकलने की बजाय यहाँ पर क्या निकलते हैं, यहाँ पर एक फ्लावर उत्पन्न होता है, ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लोरल में। अब वो मेरिस्टेम सेल्स, उनको पता है कि यहाँ पर हमें लीव्स नहीं निकालनी, हमें क्या करना है, एक फ्लावर को अराइज करना है, ठीक है। फ्लावर अराइज होगा किन सेल्स से, मेरिस्टेम सेल्स से,
क्लियर है यहाँ तक कि फ्लोरल फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है, आगे वाला हिस्सा होता है, क्योंकि आपको पता है फ्लावर ऐसे तो नहीं है कि स्टेम में कहीं से भी इंटर नोड से अराइज हो जाए, ठीक है, वो नोड से एक ब्रांच निकलती है उसमें से, या फिर टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है एपिकल, यहाँ से जो मेरिस्टेम सेल्स रखी रहती हैं वो चेंज हो जाते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होने के बाद वो फ्लावर देती है, क्लियर, उससे क्या हो जाती है प्लांट की हाइट रुक जाती है, क्लियर। अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्लियर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है ये प्रोसेस, देखो माइक्रो मतलब स्मॉल, स्मॉल, स्पोर, स्पोर मतलब राउंडेड गोल गोल स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, गोल राउंडेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, गोल राउंडेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाते हैं, ठीक है। यह देखो ये मेल पार्ट होता है, किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट कौन सा होता है, ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैमेन बोलते हैं, स्टैमेन। कल भी बताया था कि इसके नाम में मैन लग रहा है, मैन, मैन किसके लिए, मेल के लिए, ठीक, स्टैमेन। तो ये देखो ये पार्ट क्या है, स्टैमेन कहलाता है। स्टैमेन पार्ट के अंदर सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये वाला, ये कहलाता है एंथर, क्या कहलाता है, एंथर। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और इसकी स्ट्रक्चर होती है बाई लोब्ड, यानी कि दो लोब होते हैं इसके अंदर, एक फर्स्ट वाला लोब्स ये रहा और सेकंड वाला लोब ये रहा, ठीक है, दो लोब अटैच रहते हैं इसके अंदर, दो लोब, यानी कहने का मतलब कुछ ऐसे दिखाई देता है ये, मान लेते हैं कि ये हमारा एंथर, एंथर, इसमें हमें क्या दिखाई देगा, दो लोब दिखाई देंगे, सामने से देखो कि ये अलग 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 दिखाई देंगे, ठीक है, ये देखो दो लोब, ये ठीक, ये दो लोब है, इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी एंथर की होती है। बाई मतलब दो, जहाँ भी बाई वर्ड आ जाए या डाई आ जाए, ये किस किसको डिनोट करता है, ये टू को डिनोट करता है, ठीक है, दो की बात करता है फिर ये। तो एक लोब के अंदर, एक सिंगल लोब के अंदर, मान लेते हैं कि ये सिंगल लोब है, इस लोब के अंदर, इस लोब के अंदर दो थीका होते हैं, दो थीका, थीका क्या होता है अभी बताएंगे, थीका क्या होता है, ठीक, ये होता है इस एंथर का, एंथर को कट कर देते हैं तो इसका ये डायग्राम बनता है जो हमें सामने से ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो ये बीच वाले जो दो पार्ट दिखाई दे रहे थे, ये दो पार्ट, ये कुछ इस तरीके से अटैच रहते हैं, ठीक है, एक लोब में, यानी कि इस वाले पार्ट में एक लोब जो हमें दिखता है सामने से, ये वाला हिस्सा, वो डाईथीकस होता है। डाईथीकस मतलब उसमें दो थीका होते हैं, दो सेंटर होते हैं जहाँ पर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, दो थीका होते हैं, दो थीका, ठीक है, और दो लोब हो गए, एक लोब ये, एक लोब ये, तो इनमें एक लोब में दो हैं, तो दो लोब के अंदर ये फर्स्ट लोब है, ये सेकंड है, पहले लोब के अंदर दो हो गए, एक दो, इसके अंदर भी एक दो, तो दो दोनों के अंदर, दो लोब के अंदर चार हो गए, क्लियर है। तो एक लोब के अंदर दो थीका, डाईथीकस कहते हैं, दो लोब के अंदर, यानी कि एक लोब ये, एक लोब ये, सामने से हमें ऐसे ही दिखता है ये, ठीक है, सामने से हमें दो ही दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ अलग टाइप की होती है। अगर हम इसे देखें तो हमें ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं, ठीक है, ठीके? मान लेते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें एंथर दिखाई दे रहा है जो कि अटैच है नीचे से, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अलग दिख रही है, ये अलग दिख रही है, ठीक है। अगर हम इसको पीछे से भी देखें या ऊपर से देखें इसको कट करके, तो हमें ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं, ठीक है, एक दो तीन चार, चार सेंटर होते हैं इसके, चार मतलब पीछे भी इसके दो होते हैं, आगे के दो थीका, पीछे के दो थीका, चार होते हैं टोटल, ठीक है, लेकिन ये बटा हुआ रहता है दो पार्ट में कुछ इस तरीके से, ठीक है, बीच में से अटैच रहता है कनेक्टिव टिश्यू से, तो ये दो पार्ट में बटा रहता है, ये थी, ये क्या कहलाते हैं, लोब कहलाते हैं, कंप्लीट ये अटैच रहते हैं, दो दो एक साइड अटैच रहते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट लंबी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसको लोब कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लोब कहते हैं। एक लोब में देखते हैं हम, तो हमें क्या दिखाई देता है, दो दो थीका, एक दो, एक दो,
ठीक है ना, हर एक लोब के अंदर दो थीका है, तो दो लोब हैं कंप्लीट, इसमें फोर थीकस हो जाएगा। फोर थीकस मतलब फोर के लिए टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, टेट्रा थीकस। इसमें क्या लगा होता है, एक फिलामेंट लगा होता है, क्या लगा होता है, एक फिलामेंट तंतु, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है मूव कराने में। नीचे वाला पार्ट मैंने बताया था जो अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है, किससे, थैलेमस से और पेटल से, या तो वो जो मेल पार्ट है या तो वो थैलेमस से अटैच रहता है, ठीक है, या तो वो थैलेमस से अटैच रहेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, या फिर जो फ्लावर की पत्तियां हैं, या फिर वो फ्लावर की जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां, इन पत्तियों से कुछ इस तरीके से अटैच रहता है, इन पत्तियों से अटैच रहता है, थैलेमस से अटैच ना होकर के इन पत्तियों से अटैच रहता है, ठीक है। तो नीचे वाला प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच रहता है, या तो थैलेमस से बेस पार्ट से अटैच रहता है, या फिर पेटल से, फ्लावर की पत्तियों से, फ्लावर की पत्तियों से, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे हम क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, कहाँ होता है, ठीक है, पूरी स्ट्रक्चर को पढ़ना ज़रूरी होता है कि ये कंप्लीट क्या है, एंथर का कट सेक्शन है, ठीक है, कट सेक्शन मतलब इसको काट के देखा है अंदर से, तो एक एंथर में दो लोब होते हैं, दो लोब, ठीक है, बटा हुआ होता है दो हिस्से में, पीछे भी इसके ऐसी स्ट्रक्चर बनी होती है, ठीक है। तो एंथर सामने से देखने पे दो हिस्सों में दिखता है, ये बाइलोब्ड है, एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं, जहाँ थीका वही सेंटर जहाँ पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, अंदर की साइड इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, अभी देखेंगे, चार लेयर के अंदर जाके पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पोलन मदर सेल से एक पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंथर, एंथर को अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है थैलेमस से, कौन, फिलामेंट, ये फिलामेंट है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है, इसको रोक के रखता है। इसके नीचे वाला थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा होता है, वो अटैच होता है किससे, थैलेमस से या पेटल से, ठीक है। और फ्लावर, फ्लावर के बारे में देखो, ये मॉडिफाइड सूट होता है, ये किससे मॉडिफाई होके बनता है, जो एपिकल मेरिस्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे लीव्स का फॉर्मेशन होना होता है, वो क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम्स में, यानी कि फ्लावर को गिव राइज करते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर पढ़ना होता है। गैमेटोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का हम फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है, फिर उनका ट्रांसफर कैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट पार्ट। देखो आगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या है, एंथर, एंथर का कट सेक्शन क्या है, ये बेटा ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें चार कोने होते हैं, चारों कोनों में क्या होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जो कोने होते हैं इनको थीका बोलते हैं, ठीक है, तो चार थीका हैं तो टेट्रा थीकस होता है स्ट्रक्चर, और चार कोने हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, टेट्रागोनल टाइप का स्ट्रक्चर है इसका, और इन्हीं को हम पोलन सैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पोलन सैक, ये सैक का मतलब होता है थैला, ठीक है, जिस प्रकार से एक थैले में क्या कर दें, नींबू भर दें बहुत सारे, तो वो क्या है, एक सैक है जिसमें नींबू भरे हुए हैं, मान लेते हैं कि ऐसे चार थैले एक साथ अटैच हैं, नींबू भरे हुए हैं उनके अंदर, तो वो एक स्ट्रक्चर हो जाता है, किसका, एक एंथर का स्ट्रक्चर हो जाता है, उसमें बहुत सारे नींबू हैं, थाउजेंड्स ऑफ नींबू हो जाएंगे, चार पाँच पाँच किलो के थैले ले लो, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पोलन ग्रेन भरे हुए हैं किसमें, ये कोने में, थीकस में, ठीक है, थीकस में भरे हुए हैं, या एंथर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन भरे हुए हैं, ये सैक पोलन सैक कहलाता है, ठीक है ना, ये सैक पोलन सैक कहलाते हैं। इसमें अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े तो एक कोने को अगर हम देखें, तो एक कोने में, एक थीका में पोलन का फॉर्मेशन होता है, पोलन का फॉर्मेशन होता है किन सेल से होता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू से होता है, स्पोरोजीनियस, स्पोर्स जनरेट करने वाले क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, स्पोर जनरेट करने वाले क्या होते हैं, ये टिश्यू होते हैं, इनका प्लॉयडी लेवल, प्लॉयड, प्लॉयडी लेवल क्या होता है, एप्लॉयड या डिप्लॉयड, ठीक है, कंप्लीट क्रोमोसोम सेट होता है, ठीक है, सेल का, तो वो डिप्लॉयड होता है, अगर हाफ, गैमेटिक सेल हमेशा हाफ में होती है, ठीक है, तो अभी ये गैमेटिक सेल में कन्वर्ट होगा, तो उससे पहले क्या है, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड है, यानी कंप्लीट सेट अभी क्रोमोसोम्स का, ठीक है, आधे आधे नहीं हुए हैं स्पोरोजीनियस में, अभी ये सेल्स कन्वर्ट होगा किसमें, पोलन ग्रेन में, तब ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएंगे नंबर में, ठीक है, तो ये अभी प्लॉयडी लेवल इनका स्पोरोजीनियस पे क्या है, डिप्लॉयड है, यहाँ से ये जो
स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं इन्हीं को बेटा पोलन मदर सेल कहते हैं, या फिर इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, MMC या PMC, ठीक है, किसी नाम से कह लो। क्योंकि पोलन को ही हमने माइक्रोस्पोर बोला था, इसलिए हम पोलन मदर सेल कह लेते हैं या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कह लेते हैं, ठीक है। मदर सेल क्यों बोला है, क्योंकि यही सेल जो स्पोरोजिनस सेल है ये, इसको पोलन मदर सेल बोला है। क्यों, क्योंकि यही सेल अपने आप को तोड़ करके चार सेल बनाएगी, चार पोलन ग्रेन बनाएगी, और चारों पोलन ग्रेन अटैच रहते हैं एक एंजाइम से, कैलेज एंजाइम से, ठीक है, ये अटैच रहते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो बनती है पोलन मदर सेल जब चार सेल में कन्वर्ट होता है तो मियोसिस प्रोसेस होती है। गैमेटिक सेल्स में कौन सी प्रोसेस होती है, गैमेटिक सेल्स बनते हैं जब तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बनते हैं, तो उसमें मियोसिस प्रोसेस होती है। माइटोटिक या माइटोसिस प्रोसेस जो होती है वो बॉडी की सारी सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में होती है, जबकि गैमेटिक सेल के अंदर कौन सी होती है, मियोसिस प्रोसेस, गैमेट फॉर्मेशन होता है तब, मियोसिस या मियोटिक, ठीक है, मियोसिस या मियोटिक दो प्रोसेस होती हैं, एक ही है वैसे, नाम दो हैं। मियोसिस जो प्रोसेस होती है इसके थ्रू फोर सेल्स का एक स्ट्रक्चर बनता है, फोर सेल का स्ट्रक्चर टेट्राड कहलाता है, जिसमें चार अनडेवलपिंग, ठीक है ना, डेवलप्ड नहीं है, अनमेच्योर्ड है, ठीक है ना, इमेच्योर्ड है, चार पोलन ग्रेन है अभी, ठीक, इनका प्लॉयडी लेवल एन है, यानी कि हैप्लॉयड है। कैसे हैं ये, हैप्लॉयड है, क्लियर, हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड, ये चार हैं, अटैच हैं। जब एंथर क्या हो जाता है बेटा, मैच्योर हो जाता है, एंथर क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद एंथर डिहाइड्रेट हो जाता है, डिहाइड्रेट बिल्कुल सूख जाता है, ठीक है, सूखने के बाद ये एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं, डिटैच मतलब अलग अलग, अटैच मतलब जुड़े हुए, डिटैच मतलब अलग अलग, तो ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कंप्लीट पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, अभी ये डेवलपिंग नहीं है, कंप्लीट डेवलप्ड नहीं है, तो ये अभी अंडर डेवलपिंग है, ठीक है ना, डेवलप हो रहे हैं अभी, तो जब तक डेवलपिंग है स्टेज में तब तक ये डिहाइड्रेट नहीं है। डिहाइड्रेट होने का सीधा सा मतलब है कि वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, ठीक है, ठीक, पोलन ग्रेन, ठीक है, कंप्लीट मैच्योर होने के बाद। तो ये चीज़ क्लियर है कि कोई भी एंथर होता है प्लांट फ्लावर का, वो डेवलप होने के बाद, मैच्योर होने के बाद क्या बनाता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है उसमें से, जब वो फट जाता है, मैच्योर होने के बाद डेहिसेंस होता है, डेहिसेंस में क्या हो जाता है, वो फट जाता है साइडों से, यहाँ से फट जाता है, ठीक है, फटने को डेहिसेंस बोलते हैं। और फटने के बाद इसके जब पोलन ग्रेन जो बने हैं अंदर से वो बाहर की साइड निकल जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो फ्लावर होता है फ्लावर, उस फ्लावर के अंदर आपने कलर देखा होगा, ठीक है ना, येलो कलर, येलो कलर क्या होता है, वास्तव में वो पाउडर नहीं होता है, येलो कलर नहीं होता, वो थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं और बहुत माइक्रो स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोस्पोर्स इन्हें बोलते हैं, ठीक है ना, वो मेल गैमेट, गैमेटोफाइट होते हैं, एक्चुअली वो गैमेटोफाइट होते हैं, उनके अंदर गैमेट्स होते हैं, ठीक है ना, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड की हैप्लॉयड सेल होती है उनके अंदर, ठीक है। तो ये चार थीका वाली स्ट्रक्चर है, क्रॉस कट, ठीक है, और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, और पोलन सैक इसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे वाला पोर्शन हम पोलन ग्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर और इसकी जो लेयर्स हैं, यहाँ पर आपको फोर लेयर मिलेंगी, ठीक है, इन फोर लेयर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, और एक आपके क्या पोलन ग्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर, ये कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए।